अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, साइफ फ्रॉम टाइम एजेंसीज। एंड अगर कभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन के लिए कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग वाली एप्लीकेशन सर्च की हो तो आई एम श्योर कि आपने KineMaster एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमें बहुत iOS एंड्रॉयड दोनों पर देखने को मिल जाती है। एंड इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मसला यह है कि यह एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन है। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर इन्जॉय करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको इसके 4000 रुपये एक साल के पे करने होंगे, तब जाके आप इसका वाटरमार्क भी रिमूव कर लेंगे और आपके पास मुकम्मल तौर पर तमाम ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस अनलॉक देखने को मिलेंगी। लेकिन आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे आप इस एप्लीकेशन का मुकम्मली क्रैक एंड मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा दूँ कि एप्लीकेशन क्रैक एप्लीकेशन कैसी दिखती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी परचेज का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये एप्लीकेशन मोड है। तो यहाँ पर आप कोई भी इसमें एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लें, 16:9 मोस्टली यूज़ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि विदाउट वैसे आप पे जब डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा वाटरमार्क नज़र आ रहा होता है और यहाँ पे हमें एक साइन भी नज़र आ रहा होता है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आपके पास मुकम्मल ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ अनलॉक्ड है। एंड अगर आप शेयर भी करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको मुकम्मल फुल HD यानी कि इसके जो टॉप रिजल्ट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिंक ओपन करनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, गूगल ड्राइव की लिंक है। एंड उसके अंदर मैंने इसका सेटअप अपलोड कर दिया है, वहां से आप इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली क्लिक करके यहां से डाउनलोड। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको इसका इंस्टॉल करने का प्रोसीजर भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो वहाँ से लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसके बाद ये अपने फाइल्स वाली एप्लीकेशन में जाएँ जहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई हुई होगी। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सर्च करें। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ से आप सिंपली इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करें। एंड अगर आपके यहाँ पे कोई पॉपअप विंडो अनट्रस्टेड वाला शो हो जाए तो आप सिंपली सेटिंग में जाके अनट्रस्टेड वाले पे चेक कर दें आप, तो सिंपली आपकी एप्लीकेशन ईजिली आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल होने में आपके मोबाइल फ़ोन में थोड़ी से टाइम डिपेंड करेगा आपके मोबाइल फ़ोन कौन सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है एंड देन जस्ट इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन को ओपन कर लें। एंड यहां से आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे आपकी एप्लीकेशन, आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन को यहां पे यूज़ कर सकते हैं मुकम्मल अनलॉक फीचर्स के साथ विदाउट एनी कोई वाटरमार्क वगैरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपको बताना था कि कैसे KineMaster एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें एंड मोड एप्लीकेशन को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।